John Rhodes? That's my own house. Is this... Will the army widows be deprived of their rights the way I have been deprived? जैन दोस्तों, अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला है, ये कर्नल साहब की महिला है, विधवाएं, हम उनका सम्मान करते हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने एक वीडियो था, सबने वायरल किया, सपोर्ट किया, और वो सीधे मुख्यमंत्री जी से कुछ पूछ रही हैं, मेरा घर सरकारी खाली हो गया और प्राइवेट घर पर कब्जा है, आखिर में मैं कहाँ रहूँ। ये लखनऊ में अपने आवास के लिए सीधे सीएम साहब से जुड़ी हैं, सीएम साहब से टाइम मांग रही हूँ, और सुना है कि उनका घर खाली हो गया, उन्हें न्याय मिल गया। दोस्तों बहुत अच्छी, मैं स्वागत करता हूँ उस न्याय का। उन्होंने अंग्रेजी में बोला और हमारे सीएम योगी साहब ने उसको हिंदी में रिप्लाई दे के काम कर दिया। सीएम योगी जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप जब हम हिंदी में बोल रहे हैं, हम रो रो के बोल रहे हैं, जरा सुनिए कितने मैंने आपको वीडियो में डाल रहा हूं, पिछले डेढ़ या दो साल में कितने लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आपकी पुलिस और कोई भी नहीं, आपकी पुलिस सरेआम थाने में मारती है, बेइज्जती करती है। सिर्फ फौजी आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, यानी हमें आत्मसम्मान भी नहीं मिल रहा, हमारी कोई जमीन हड़परा है, कोई बात नहीं, केस लड़ेंगे, हमारे साथ कुछ और हो रहा है, लेकिन हम थाने में जाते हैं, दबंगई हमारे पास होती नहीं है, हमें पुलिस वाला ही पिटाई कर देता है। आप देखिए, अब दो साल मुख्यमंत्री के सामने अपने आप पे पेट्रोल डाल के अपने खुद को जला दिया। पहले का एक हमारा सिपाही है राजा सिंह, अपनी हक की लड़ाई किस तरह बिलख बिलख के रो रो के लड़ा, आपके थाने में जाकर के जो सामने वाली पार्टी के सामने थानेदार मारता है, मीडिया के सामने जाता है, लोग हुजूम सपोर्ट करते हैं, तब इसको न्याय नहीं मिल पाता। कितनी लिस्ट है, आप देख लिए, पीलीभीत का मामला देख सकते हो, रेशम सिंह के साथ क्या किया, गाजियाबाद का मामला देख सकते हो, कन्नौज का मामला देख सकते हो, कितने मामले सारे मैंने आज सारी लिस्ट डाली आपको, ताकि आपको ये लगे नहीं कि जो लोग ऊपर बैठे हैं उनके न्याय के लिए नहीं, आप नीचे भी ऐसा सिस्टम बनाइए ताकि फौजी के साथ तो पहले इस तरह कोई अन्याय करे ना, यदि करता भी है तो उसको तुरंत संज्ञान में लेके उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और फौजी को न्याय मिला, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है। फौजी के पास ज़्यादा अप्रोच नहीं होता, नेतागिरी नहीं होती, वो सिर्फ फौज में काम करता है, बमुश्किल से छुट्टी मिलती है, आए अपने घर के बाहर के काम निपटाता है, यदि उसके साथ अन्याय होता है उसके लिए आपको कोई ऐसी सेल बनानी पड़ेगी। काफ़ी स्टेटों में इसके फौजियों के पक्ष में ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं, प्लीज़ आप इन पर भी ध्यान दे दिए, मैं आपके इन डिसीजनों का स्वागत करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।